ओके हाँ जी बेटे, होप पहलियां दो वीडियोस तुसी वेख लिया ते सारियां नू जो च पढ़ाया समझ आ गया। ठीक है, ते अच्छा पहली वीडियो दे स्टार्टिंग च मैं थानू एक क्वेश्चन पूछा सी कि चार ऑप्शन दे के पूछा सी कि इन्हां च नेचुरल नंबर कि ठीक है, ते मैं कह सी चारों चार ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फिर आज वो दिन आ गया है, हम सीखेंगे कि वो सही कैसे हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जिदा बिगनिंग च मैं कहा सी आपां की सीखते पाए हैं कि चीज़ां नूं रिप्रेजेंट किदां करना है। ठीक है, तुहाडा कोई आंसर आए तो उन्होंने लिखना किदां है, बिकॉज नवीं चीज़ा नवीं प्रेजेंटेशनज हैगियां प्लस वन प्लस टू। ओके लैट्स बिगिन। तो इंटीजर जिहड़े आ सारे यू ऑलरेडी नो, टेंथ तुसीं पढ़ते हो सारे आ इंटीजर्स आ राइट। तो अगर तुहाडा आंसर इंटीजर आवे या इंटीजर नूं प्रेजेंट करन दा एक तरीका हुण सैट वाइज, हाँ जी की बनता है, करली ब्रैकेट, हाँ जी डॉट डॉट डॉट, हाँ जी एक आ सैट लिखन दा -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, ठीक है, हुण तुसीं पिछली क्लासेस नाल रिलेट पिछली वीडियोज़ नाल रिलेट करी जाओ। सो एक तो आह तरीका हो गया ना लिखण दा सैट। दूजा तरीका हो गया एक सिंबल आपां यूज़ करते हैं जैड। ठीक है, सो ऑप्शन च भावें जैड लिखा होवे, ठीक है, भावें आह लिख दे, इहदा मतलब इक्को ही है। ठीक है, एक होर तरीका हुंदा है असीं लिखते हैं आए। ठीक है, आए भी सैट ऑफ इंटीजर्स रिप्रजेंट कर लें। ठीक है, सो इन्हें जो कुछ भी यूज कर ले, दैट दैट मीन द सेम थिंग राइट। ओके, सो उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा हम एक चीज़ समझो, जो जीरो आ बेटे, जीरो होंगे न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नैगेटिव। ठीक है, जीरो इज़ न्यूट्रल, और जीरो तो राइट साइड पर जो भी है इधर जीरो नू छड़ के उन्होंने असी कहेंगे पॉजिटिव, जीरो दे लेफ्ट साइड पर जो भी है उन्होंने कहेंगे नैगेटिव। ठीक है, अच्छा जीरो दे राइट साइड पर सारे पॉजिटिव, लेफ्ट से नैगेटिव। अच्छा हम असं गल कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हो गया जिहड़े जीरो तो वड्डे इंटीजर्स है। तो अगर जीरो तो वड्डे इंटीजर्स तुसी लिखो, एक तरीका लिखने का कि बेटे 1 2 3 जिहड़े ग्रीन च लिखे, सो 1 2 3 आ सैट हो गए साढ़े पॉजिटिव इंटीजर्स। हुण तुसी नोट करो, तो 1 2 3 नूं तुसी पहला की कहिंदे सी, नैचुरल नंबरस। इहदा मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही नैचुरल नंबर है। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है बेटे, नैचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दे आर सेम थिंग। ठीक है, सो हुण सिंबॉलिकली समझाई ना गल, मैं की कहने की कोशिश कर रहा, तो वो कहे जी आवर सोल्यूशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, और एक सैट वाइज आ तरीका हो गया, हाँ जी सिंबॉलिकली इनू एन भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही गल बेटे, बिकॉज एन इज नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स सेम है दोनों। अच्छा वो बाद एक आ भी तरीका नवा सीखोगे, जैड की होंगे पुते इंटीजर, जैड छोटा जा प्लस 5 है, जैड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हुण ऑप्शन जो तुहाडे जैड प्लस लिखे होवे उहदा मतलब भी नैचुरल नंबर ही है। ठीक है, या उहनू आई प्लस पा दो, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैं गल खत्म। अच्छा उहदे बाद नैगेटिव इंटीजर अगर लिखने हो, नैगेटिव मतलब जीरो तो छोटे, जीरो नहीं विच लैणा, जीरो तो छोटे किहड़े किहड़े, हाँ जी आ वाले सारे। ठीक है, तो अगर सैट्स लिखना है, हाँ जी डॉट डॉट डॉट, क्योंकि छोटे तो वड्डा, -3 -2 -1 स्टॉप। एक तो आह तरीका हो गया लिखण दा। हाँ जी होर दसो कि, हाँ जी जैड की हुंदा पुत्तर इंटीजर्स, किहड़े इंटीजर्स, नैगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, या होर तुसी आई माइनस कर लो। ठीक है, आ भी तरीका लिखण दा इहनू सेम। ठीक है बेटे, सो उहदे बाद किहड़े आ गए नॉन नैगेटिव इंटीजर्स, ये समझदे की आ नॉन नैगेटिव। अच्छा सोच के वेखो जरा, नॉन नैगेटिव, नॉन मतलब कि ना होवे, की ना होवे, नेगेटिव ना होवे, ये मतलब नेगेटिव ना होवे, आ ऑरेंज कलर वाले ना होण ते की होण, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर लिखिए तो इनू की कहेंगे 0 1 2 3, दीज आर दी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, क्योंकि आप सिर्फ इंटीजर लिखते पाए। ठीक है, और इन्हों तुसी 10 तक की कहते हो, होल नंबरस, यदा मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ते होल नंबर सेम है बेटे। हैगा आसान है, बट बच्चे कई बार जिन्होंने ख्याल नहीं पढ़िया होंगे उन्होंने पूरे 2 साल यही नहीं पता होंगे कि वो पॉजिटिव नॉन नैगेटिव सब बराबर ही समझते हैं। पॉजिटिव मतलब जीरो तो वड्डे, नॉन नैगेटिव मतलब नैगेटिव ना हो, नॉन वाले च जीरो भी आ जाता है। ठीक है, वंस अगेन नॉन नैगेटिव, नैगेटिव नहीं चाहिए तो किड़े हो, 0 1 2 3, क्योंकि इंटीजर्स की गल कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉन नैगेटिव नंबर तो होल नंबर थोड़ा आंसर सेम है ना। तो होर होल नंबर नूं असीं किन्ना रिप्रेजेंट करते हैं, डबल्यू ना। ठीक, डबल्यू भी सैट ऑफ होल नंबर हुंदा, या एवें लिख दो। ठीक है, या हाँ जी हुण खुद बनाओ, हाँ जी किदां करिए, एवें भी कर सकते हैं। अब पूरे नैचुरल नंबर के अंदर की ऐड करना है, जीरो ही ऐड करना है, तो एनू भी लिख सकते हैं कि या तो नैचुरल नंबर,
हुण ऐड सैट सैट किदा करीदा यूनियन किहड़ा नंबर ऐड करना है जीरो हुण भावें इत्थे एन यूनियन कर दो भावें जैड प्लस यूनियन कर दो इन सारिया का मतलब सेम ही है जैड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री उन्हें की ऐड कर दिए जीरो आ भी सैट है ये आ जीरो वाला सैट ऐड कर दो ठीक है समझ आई गल या होर तरीका सोचो पूरे इंटीजर्स चो ठीक है पूरे इंटीजर्स चो नैगेटिव इंटीजर्स माइनस कर दो आ भी ठीक है पूरे इंटीजर्स चो जैड सारे इंटीजर है वो चो नैगेटिव इंटीजर्स माइनस कर दो ठीक है आ भी सेम है जैड कड़ा सैट है पुत्र जैड इज द सैट ऑफ ऑल द इंटीजर्स वो चो कि माइनस करते नैगेटिव इंटीजर्स आ वाले माइनस करते तो कि बचे जीरो वन टू थ्री वो भी होल नंबर आ गए ठीक है ओके okay, वो बाद नॉन पॉजिटिव हाँ जी हम खुद बनाओ तुम नॉन पॉजिटिव नॉन मतलब नहीं चाहिए की नहीं चाहिए पॉजिटिव नहीं चाहिए आ नहीं चाहिए तो की चाहिए आ वाले सारे ये मतलब जीरो फिर आ जाएगा तो अगर पहले तरीके लिख सकते हैं डॉट 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 मतलब जितने नॉन वर्ड आ जाए ना बेटे उत्थे जीरो भी इनकलूड हो जाता है ठीक है इत तक आ गया ठीक है सो इस की करिए नैगेटिव इंटीजर्स के अंदर की ऐड करता जीरो ऐड करता ठीक है सो इदा हूँ जिन्हें मर्जी बनाई जाओ ठीक है सो आ डिफरेंस क्लीयर होना चाहिए ठीक है पॉजिटिव नैगेटिव जीरो नहीं आता नॉन नैगेटिव नॉन पॉजिटिव जीरो आता है ठीक है या नैचुरल नंबर में इदा लिख लो होल नंबर चो ठीक है की माइनस कर दिए बेटे जीरो माइनस कर दो होल नंबर चो जीरो माइनस कर दो ठीक है सो इदा कोई भी प्लस माइनस करके तुम अपने हिसाब न भी बना सकते हो ठीक है सो आप अगेन मैं फिर वंस अगेन दस दें एक ही है कि तुम्हें क्वेश्चन को दिता वो पहला ऑप्शन लिखता उन्हें लाइक ए इज डबल्यू बी इज यू नो एन एन सो ऑन तो अगर आंसर तुहाड़ा होल नंबर है तो आ भी ऑप्शन सही होएगा आ भी सही होएगा आ भी सही होएगा ठीक है या उन्हें डबल्यू नहीं लिखा आ ही लिखता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डबल्यू ने प्रजेंट करना है ठीक है पुत्र आई होप आ चीज़ क्लीयर है सारे ठीक है सो वंस अगेन पूरे इंटीजर्स जीरो दे राइट साइड ते पॉजिटिव इंटीजर्स अगर इंटीजर्स की गल करते हैं जीरो दे लेफ्ट साइड ते नेगेटिव ठीक है फिर नॉन नेगेटिव मतलब नॉन मतलब नहीं चाहिए की नहीं चाहिए नेगेटिव नहीं चाहिए नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव प्लस जीरो एदि नॉन पॉजिटिव सो ए ते सी सिर्फ इंटीजर्स इन्हां दी गल कीती सी आपां हुण अगे आ जाने हैं बेटे रीयल नंबरस ते ठीक है सो अच्छा हुण पुत्र कहिंदा है वो कहता है कि रीयल नंबर हाँ जी रीयल नंबर कहे बेटे सारे आ इनफिनिट रीयल नंबर पहला सिर्फ आप इंटीजर लाए थे जिमें जीरो वन हूँ इंटीजर्स के विच आ जोड़े आ जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू 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 एंड सो ऑन दे आर ऑल रीयल नंबर हूँ आप सारे चाहिए तो रीयल नंबर प्रजेंट कर पहला तरीका आर ठीक है जिदा नैचुरल नंबर एन कहने रीयल नंबर आर कहने सो कित लिखे हुए सैट ऑफ आर मतलब रीयल नंबर कितों लैके इतों लैके इत तक सारे दूजा तरीका होंदा है सैट दी टर्म च माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी मतलब इथों लैके इधर तक सारे रीयल नंबर ठीक है और मैं पहला भी दस्या सीगा कि इनफिनिटी ते माइनस इनफिनिटी ते हमेशा ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि उत्थे तक कभी पहुँच नहीं सकते ठीक है वैसे छुट्टियाँ ट्राई करो इफ यू कैन रीच है ना चलो उदे बाद पॉजिटिव रीयल नंबर आ समझ आई गल बेटे अच्छा पॉजिटिव हुण तुसीं खुद बनाओ खुद सोचो पॉजिटिव रीयल नंबर पॉजिटिव मतलब जीरो तो वड्डे रीयल नंबर ठीक है हुण एक ता तरीका हो गया आ लिखण दा आर हो गया रीयल केड़े केड़े बेटे पॉजिटिव सो दिस इज द सैट ऑफ पॉजिटिव रीयल नंबर ठीक है पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव रीयल नंबर फर्क समझ आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से जीरो तो वड्डे इंटीजर जिहड़े सीगे वन टू एंड सो ऑन पॉजिटिव रीयल नंबर इत्थों शुरू हो जाने सारे जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू एंड सारे दे सारे एंड सो ऑन ठीक है सो एक तो आ गया हुण पॉजिटिव कह रहा जीरो तो वड्डे सो पॉजिटिव च सोचो जीरो आएगा हाँ या ना नहीं आएगा तो अगर मैं इदा इंटरवल च लिखना होवे तो की लिखूंगा हाँ जी जिहड़े भी रीयल नंबर है हाँ जी दैट बिलोंगस टू जीरो टू इनफिनिटी इथों लैके इत तक सारे ही है जीरो नूं मैं राउंड रखे इहदा मतलब जीरो इनकलूड नहीं है ठीक है इट इज़ द सैट ऑफ पॉजिटिव रीयल नंबरस ठीक है बेटे ओके हुण खुद बनाओ नैगेटिव रीयल नंबर नूं दोनों की फॉर्म हाँ जी हाँ जी आई गैस तुम आ सोचा आ हो गया रीयल नंबर किड़े नैगेटिव ए किड़े हुए आ वाले सारे ऑल दीज नैगेटिव रीयल नंबर जीरो नू छड़ के ठीक है सारे ठीक है या सैट्स लिखना है तो कितों लैके तक छोटे तो वड्डा माइनस इनफिनिटी टू जीरो माइनस इनफिनिटी टू जीरो जीरो लैना कि नहीं लैना नहीं लैना
मैं बिगनिंग च भी कहा सी कि जीरो न्यूट्रल पॉजिटिव जीरो तो वड्डा बराबर जीरो नहीं आएगा नैगेटिव जीरो छोटा वो जीरो ए आएगा ठीक है। हाँ जी हम तुम खुद बनाओ नॉन नैगेटिव। हाँ जी सोच के वेखो नॉन नैगेटिव नैगेटिव नहीं चाहिए नॉन नैगेटिव रियल नंबरस। सो वो रियल नंबर जो नैगेटिव नहीं है जो नैगेटिव नहीं है तो की है जीरो है या पॉजिटिव है ठीक है। सो इन लिखा सैट द टर्म्स जीरो टू इनफिनिटी इच जीरो इनकलूड ठीक है। समझ आई गल या समझ आई गल बेटे या एवें करो कि पूरे रियल नंबर चों की माइनस कर दो नैगेटिव रियल नंबर माइनस कर दो पूरे रियल नंबर चों नैगेटिव रियल नंबर माइनस कर दिए तो की आ जाना जीरो ते आवे ठीक है। अच्छा हुण आ सोचो नॉन पॉजिटिव नॉन मतलब नहीं चाहिए किहड़े नहीं चाहिए पॉजिटिव नहीं चाहिए पॉजिटिव नहीं चाहिए किहड़े किहड़े हो गए नैगेटिव वाले तो जीरो। सो ये आ गया माइनस इनफिनिटी टू जीरो इतों लैके छोटे तो व्डा जीरो तक जीरो भी चाहिए ठीक है। इदा तुम ए टर्म च आप तुसी बना सकते हो ठीक है। सो अगेन मैं आई एम रिपीटिंग ए टाइम एंड अगेन ये जो तो फिलहाल तक किया टिल नाओ ये कोई क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नू लिखना किदा आ ये हले तक सीखा हले आप प्रॉब्लम नहीं किते कोई भी ठीक है। आई होप लास्ट एक बार एक होर वेख लीए। अच्छा रियल लाइन तो मैं चलो समझा रियल लाइन है पुत्र रियल लाइन तो जोड़े नंबर होंगे जिमें 0.1 ठीक है 1 2 माइनस वन एंड सो ऑन इना च ब्लेंड होंदा दो तरह के नंबर का रैशनल ते इरैशनल ये तुसी टेंथ च भी किते है। मैं स्टिल थोड़ा जिहा दस दिना हुण क्योंकि आ नंबर ते इंटीजर्स है विच फ्रैक्शनज होनी है जिवें 1.5 आ की हो गया ठीक है जिवें 1.5 है जिवें 2.7 है ठीक है इत्थे 3 है इत्थे कितें पाए होएगा 3.14 एंड सो ऑन है ना। सो रैशनल होंदे आ नंबरस ठीक है जिहड़े या तो टर्मीनेटिंग डेसीमल ठीक है डेसीमल रुक जाए जिमें 2.7 ठीक है रुक गया ठीक है और ये रैशनल हो गया ठीक है और या नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग यदा मतलब होंगे वैसे ये इनफॉर्मेशन इदा नहीं है कि इन्हें बिना सवाल नहीं होने चलो मैं वैसे दस दिना जिमें नॉन टर्मीनेटिंग टर्मीनेटिंग मतलब खत्म ना हो रिपीट करी जाए जिमें 2.777 डॉट 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 ए। सो जे आ दो तरह के नंबर है दीज आर रैशनल नंबरस ठीक है समझ आई गल और रैशनल कोई भी होएगा दोनों होंगे तो हरेक रैशनल नंबर में तुसी पी बाय क्यू की फॉर्म च लिख सकते हो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स ठीक है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इधर ले असी मैं एक एग्जाम्पल थानू समझा दिना और जो इरैशनल आ वह की होंगे नॉ कि बच गया नॉन टर्मीनेटिंग टर्मीनेट नहीं करोगे ठीक है एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करोगे रैंडम जै ठीक है जिमें 2.7 3 4 1 5 एंड कोई पैटर्न नहीं है दीज आर कॉल्ड इरैशनल नंबरस ठीक है जिदा होर एग्जाम्पल √2 √3 यू नो 1.414 रैंडमली चलता पाए 3. एक नंबर ई होंगे यदी वैल्यू होंगी 2.71 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 डॉट डॉट चलता रहता ठीक है बेटे। सो जो 22/7 करते हो ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्योंकि 22/7 तो रैशनल नंबर है पी बाय क्यू की फॉर्म का बट पाई तो इरैशनल है तो पाई 22/7 के बराबर नहीं होंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होंगे ठीक है। सो जिदा एक बार जे सवाल आ गया सेगा कि एक ऑप्शन से जीरो एक से 22/7 माइनस पाए तो मल्टीपल चॉइस से हुण जिहड़े ज़्यादा सियाने बनते कि नहीं पाई इज इक्वल टू 22/7 हैंस ए वैल्यू भी जीरो है तो आ भी जीरो तो दोनों मार्क करते मोर दैन वन ऑप्शन से बट आ जीरो नहीं है अप्रोक्सीमेटली जीरो है बट जीरो नहीं है राइट ठीक है। सो आ वाले जड़े है नंबरस दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबरस और कोई भी रैशनल नंबर है उन्होंने तुम हमेशा पी बाय क्यू की फॉर्म से लिख सकते हो। हम तुम कैन यू सेंस के बड़े सारे नंबर जिम्मे 2.7 3 4 एंड सो ऑन तो ये तो लिमिट ही कोई नहीं है तो इस करके रैशनल प्लस इरैशनल असी रियल कहने और सिंबोलिकली रैशनल का सिंबल है क्यू जिदा आप रियल का आर हों नैचुरल का एन हों तो इरैशनल किहड़े होए इरैशनल किहड़े होए पूरे रियल चो की माइनस कर दो रैशनल माइनस कर दो गल खत्म ठीक है या इनू क्यू बार या क्यू सी भी कह देंगे ठीक है इरैशनल नंबर ठीक है। सो क्यू इज द सैट ऑफ रैशनल नंबरस एंड क्यू सी इज द सैट ऑफ इरैशनल नंबरस एंड एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन
इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। और आ दो तरह के रैशनल होंगे है। चलो एक बार मैं जिवें समझा, जिवें 2.7 ही है बेटे, 2.7 किन्ना है 27/10, आ भी पी बाय क्यू की फॉर्म का हो गया, आ भी इंटीजर है, आ भी इंटीजर। अच्छा जिवें आ लै लो 2.777, ये तुसी वैसे 10th च किया होया, ये नंबर नू एस मान लो, हाँ जी डेसीमल नू इनू 10 ना मल्टीप्लाई कर दो, 10 ना मल्टीप्लाई कर दोगे बेटे तो आ कि आ जाएगा, आ इतें आ जाएगा, तो कि आ जाएगा 27.777 इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, इनफिनिट चो एक डॉट एक सैवन लै लिया तो कोई फर्क नहीं पाएगा, समझा रही गल, माइनस कर दो। सो 10s-s 9s, 27-2 25। ठीक है, डॉट दे मगर 77, डॉट दे मगर सारा माइनस करके कट्टा जाएगा, तो एस कि आ गया 25/9। ये भी थोड़ा पी बाय क्यू की फॉर्म च आ गया, ये मतलब ये भी रैशनल है। सो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग भी रैशनल होंगे। ठीक है, जिदा चलो एक होर एग्जाम्पल कर दें नाल ही, क्योंकि जिवें तुहानूं कहा सी कि पहली या दूजी वीडियो के अंदर कि किसी नंबर तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल अगला नंबर दस नहीं सकते, तो कई बार पूछते हैं कि बेटे 2 तो बिल्कुल पहला नंबर दसो, तो बच्चे कहें 1.9। हाँ जी, सोच के देखो 1.9 नहीं तो फिर क्या होगा, 1.99 होर करी जावे तो 999। कई बार बच्चे कहते सर दिस इज़ द नंबर विच इज़ वेरी क्लोज टू 2। ठीक है, सो यदा मतलब है कि 2 तो इस नंबर दे विच फिर इनफिनिट नंबर आ जाने, बट वो तो आते ऑलरेडी कह रहे हैं 1.999 तो लगता ही है बिल्कुल 2 दे कोल है, तो यदा मतलब की हो गया कि पहली स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो यह मतलब ये 2 ही होगा, यद मतलब 1.999 चलते रहिए, दैट इज़ 2। थोड़ा अजीब लगता है बट दैट इज़ 2। आप हमने चैक कर लें भी 2 है कि नहीं। ठीक है, सो एस इनू अगेन 10 ना मल्टीप्लाई कर दो, डेसीमल शिफ्ट कर दो, 10s, हाँ जी कि आएगा 19.99999 एंड सो ऑन, माइनस कर दो, माइनस माइनस 10s-s 9s, 19-1 18, और डेसीमल के बाद 9999 कटेगा, सो 9s इज 18s इज इक्वल टू 2। ठीक है, यदा मतलब 1.9 bar इज 2। सिमिलरली अगर मैं कह 0.9 bar, मतलब इतों 0.9999 एंड सो ऑन बिल्कुल क्लोज, वो क्लोज नहीं 1 नहीं होंगे, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये वैसे ही मैं एडिशनल दसिया। ठीक है, चलो हुण काम की गलते आने, दिस इज़ नाउ कम्स टू द मेन मेन पार्ट। ठीक है, दैट इज़ रूल लिखने शुरू कर दो, पहला बेसिक्स ऑफ इनइक्वैलिटी, हुण आपां इनइक्वैलिटी ते आ गए हैं। ठीक है, या रूल्स ऑफ इनइक्वैलिटी लिख लो, रूल्स लिखी जाए चंगा। ठीक है, अच्छा इनइक्वैलिटी दे रूल्स तो पहला ना एक मैं वैसे जनरल जहा रूल दस दिना, कॉमन है, बड़े बच्चे गलती करते हैं कि पूरे मैथमैटिक्स च आ चीज़ का ख्याल रखना कि जिवें तुहानूं मैं पहला पुछदा, सपोज करो 0 = 0। ठीक है, अच्छा हुण 0 × 2 = 0 × 3, हाँ जी इस कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है भाई, 0 × 2 भी 0 है, 0 × 3 भी 0 है। ठीक है, सो 0 × 2 0 × 3 बराबर है, हले भी दोनों साइड। अच्छा मैं इनू कट देना, ठीक है 0 ने 0 ने कट, तो की आ गया 2 = 3। ठीक है, कमाल ही हो गई। ठीक है, अपन पता ही नहीं सी, देखो तुम एडे वे हो गए तो तुम्हें पता ही नहीं सी 2 3 के बराबर। ठीक है, सो सर्टेनली गलत है, तो गलती कितने है दसो, कि स्टैप गलती है, पहला दूजा तीजा चौथा, तो गलती की है, कटते सी ना तुम करते छोटे होंगे बचपन तो करते आ रहे हो 2x = 2y, 2 ने 2 ना कटे, x = y। ठीक है, तो या तो पहला गलत पढ़ाया है तो हूँ मैं गलत पढ़ा रहा। ठीक है, या कोई स्टैप गलत है, हाँ जी दसो कितने गलती है। हाँ जी फिगर आउट कर लिया, तो एक्चुअली आ भी सही सी, तुसी भी सही पढ़िया है, तो मैं भी सही पढ़ाया, तो आ स्टैप गलत है। ठीक है, यदा मतलब की हो गया, देखो आ भी ठीक है, आ भी सही है क्योंकि आ भी 0 है, ये बाद आ जोड़ा स्टैप गलत आ रहा, तो यदि वजह आ रहा, यदा मतलब आ कटिया 0 वो आप नहीं कर सकते, सो यू कैन नैवर कैंसल 0 with 0। सो ये एक जनरल जी चीज़ का ख्याल रखना है, कदे भी मैथमैटिक्स के अंदर तुसी कैंसलेशन करो, तो जिवें इतने मैं कटिया 2 ने 2 ना कटिया। ठीक है, नॉन जीरो नंबर कैंसल होंगे, 0 नहीं कभी कैंसल होंगे। ठीक है, जब भी कैंसलेशन होएगी नॉन जीरो नंबर होएगा, सो यू कैन नॉट, आ तुसी अपने हिसाब से लिख लो, यू कैन नॉट कैंसल, हाँ जी 0, 0 नूं कट नहीं सकते, ना ही तुसी कैंसल कर सकते हो, ना ही तुसी मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, ना ही तुसी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर ना कर सकते हो मल्टीप्लाई। मैं कहूँ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर टू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, सो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कट भी सकते हैं नॉन जीरो ना, बट जीरो ना नहीं मल्टीप्लाई करना, फिर सब बराबर हो गया। अच्छा तेरे को किन्ने रुपए एकना, तेरे को 10 रुपए जी, मेरे को किन्ने है जी, मेरे को 100 आ। चल आप दोनों पासे ना जीरो ना गुणा कर दिए। ठीक है, चल तेरे भी जीरो, दोनों के बराबर हो गए, ऐ थोड़ी होंगे। ठीक है, सो जीरो ना ना असी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ना डिवाइड कर सकते हैं, तो ना ही कैंसल कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल गल का ख्याल रखना। ठीक है, मैथ्स कदे भी यहोजी गलतियां नहीं करनिया। सो कई बार की होंगे तुम्हें क्वेश्चन दिता, जिमें एक यूज देखते हैं, मतलब लिखे है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो कहता सॉल्व करो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2x। नाउ दिस इज रॉन्ग, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2x, एक्स कटता। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 आंसर लिखता। ठीक है, सो आंसर गलत आ गया, क्योंकि तुम देखो इतने एक्स इक्वल टू सैटिस्फाई तो करता है, 2 द स्क्वेयर 4, 2 × 2 = 4, बट एक्स इक्वल टू 0 भी तो सैटिस्फाई करता है, 0 द स्क्वेयर 0, 2 × 0 = 0। ठीक है, यदा मतलब तुम कट के गलत किया, तो जब तुम कटिया ये मन लिया कि नंबर नॉन जीरो है, क्योंकि कटिया तो नॉन जीरो जाएगा। सो जब तुम एक्स कटता ना, तो यू ज्यूम दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तुम ज्यूम कर लिया अपने मनो। ठीक है, वो थोड़ा आंसर आना सी, 0 भी हो सकता आंसर हो ना, जिम्मे इतने आंसर हैगा, तो तुम वो आंसर अपना खा लिया, आंसर तुम आ लगता है। सो एक्चुअली जब भी होवे अगे तो हमेशा राइट हैंड साइड वाली टर्म को लैफ्ट लैके जाओ, फिर सॉल्व करीदा, इनू इदा करीदा, आ तरीका सही है। एच एक्स कॉमन कडो, ठीक है, एक्स माइनस 2 = 0, एंड आई गेस इज अ प्रेटी सिंपल रिजल्ट कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, जब भी रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 है, देयर फोर ईदर ए इज 0 और हाँ जी बी इज 0। सो आ दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, देयर फोर ईदर एक्स इज 0 और एक्स माइनस 2 = 0, देयर फोर एक्स इज ईदर 0 और एक्स इक्वल टू 2। आ तुहाडे को दो आंसर है। सो यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है कि इसको इधर लेके जाना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, देन यू विल सी, देन यू आर गोना डू दिस के प्रोडक्ट 0 है तो या पहला 0 है दूजा 0, ऐदा नहीं करीदा। ठीक है, सो अननेसेसरी कैंसलेशन विल गिव यू द रूट लॉस। ठीक है, ओके, सेकेंड रूल है कि अगर कोई इनइक्वालिटी गिवन है तुहानू, कि जिवें आ देखो कि ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन सी, उहदे च आपां कुछ भी नंबर ऐड करिए तिना पासे या दो होन, तो इनक्वैलिटी में फर्क नहीं पाएगा। ठीक है, तिना पासे ऐड करता, तो अगर आ ट्रू है तो पुत्र ऐड करन दे बाद भी ट्रू रहेगी। एग्जाम्पल मैं दसी, जिवें 4 is greater than 2 is greater than 1, आ ऑलरेडी इतों व्डा है, ऑलरेडी तो व्डा है। ठीक है, सो इनू एच मैं कुछ दो ऐड करदा। ठीक है, लेट मी ऐड 1। सो अगर आ व्डा है तो हाँ जी 4 + 1 will be greater than 2 + 1 will be greater than 1 + 1, प्रीटी सिंपल रूल, राइट। सो 5 is certainly greater than 3। सो अगर आ ट्रू है तो आ भी ट्रू है, यदा मतलब अगर कोई इनइक्वैलिटी सानू दिती है, भावें दो दिती हो भावें तीन, कोई नंबर ऐड करांगे सेम नंबर, अलग अलग नहीं, कैच एक ऐड कर दो, पांच ऐड कर दो, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। सो ऐड तो सेम ही करांगे ना, तो फिर नहीं बराबर आएगा। ठीक है, सो इफ वी आर एडिंग सम सेम नंबर, तो इनइक्वैलिटी में फर्क नहीं पाएगा। इदा ही अगर असी कोई नंबर माइनस करांगे, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पाएगा। इफ वी सबस्ट्रैक्ट सम नंबर, लाइक इतने माइनस कर दी ए माइनस के, एच ओ वी माइनस एच ओ वी, तो एच ओ वी, तो वह भी फर्क नहीं पाएगा। ठीक है, हो गया ना, इदा मतलब प्रैक्टिकली मेरे को कुछ अमाउंट है, तुहाडे को है, तो किसी होर को है, तो मेरे को ज़्यादा है, तुहाडे घट, वो देखो होर घट, जो मेरे को भी 10 रुपए खोला है, तुहाडे को भी तो फर्क थोड़ी पएगा, उन्होंने इक्वल घटाता ना, तो मेरे को पहला भी ज़्यादा से, मेरे को हूँ भी ज़्यादा होने। ठीक है, सो माइनस के करण नाल भी फर्क नहीं पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकेंड थिंग, थर्ड होंदा है कि अगर आ साडी इनइक्वैलिटी गिवन है, इनू असी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ख्याल रखना पैना, तो अगर असी किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करते हैं, लेट मी मल्टीप्लाई विद के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा, के इंटू ए इज ग्रेटर देन के इंटू बी। ठीक है, बट इतने ख्याल रखना पैना है, पहला मैं समझा देना, जिमें सपोज करो 4 is greater than 2, इनू 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना होएगा 8 is greater than 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सो अगर आप पॉजिटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 4 रुपए, थोड़े को 2, मेरे डबल हो गए, मेरे 8 हो गए, थोड़े डबल, थोड़े 4, मेरे को ज़्यादा, मेरे ऑलरेडी ज़्यादा।
बट अगर मैं इनू नैगेटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करा, माइनस टू ना एस इनक्वेलिटी नू मल्टीप्लाई करा, तो व्हाट हैपन्स? फोर इंटू माइनस टू माइनस एट, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर। हाँ जी, हुण तुसीं दसो, सियाणे आ सारे, माइनस एट वड्डा कि माइनस फोर वड्डा? माइनस फोर वड्डा। ठीक है, हुण होया कि साइन साडा चेंज कर गया, इदां इधर नूं मूँह खोलिया सी, हुण इधरले पासे नूं। ठीक है, सो देयर फोर नैगेटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई करन दे नाल इनइक्वैलिटी दा साइन चेंज हो जांदा है। दिस इज द ओनली थिंग दैट नीड टू बी टेकन केयर, कि प्लस माइनस कोई फर्क नहीं है। सो अगर मल्टीप्लाई करांगे ते अगर ते के जीरो तो वड्डा है बेटे, ठीक है, इफ के इज ग्रेटर दैन जीरो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर के जीरो तो छोटा है तो फिर उन्होंने मल्टीप्लाई जब करांगे तो साइन चेंज कर देंगे। दैट्स इट, आ ख्याल करना। सो अब मैं फिर कहां की लिखा है, कहता अगर ए बी तो वड्डा है, इफ के इज ग्रेटर दैन जीरो, तेन के ना मल्टीप्लाई करना साइन सेम रहा, एंड इफ के इज लैस दैन जीरो तो इनू मल्टीप्लाई करके मैं साइन चेंज करता। यही चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। यदा मतलब जब भी मैं इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करा, मैनू उस नंबर का साइन पता होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई गल नहीं, साइन सेम रखो, नैगेटिव है तो साइन चेंज कर दो। तो सवाल आता है कि जे साइन मैं पता ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आ कह कि फोर इज ग्रेटर दैन टू, आ न्याणे गलती कर दे, लुक एट दिस मिस्टेक, मैं कहूँ मल्टीप्लाई विद एक्स, ठीक है, तो देर फोर फोर एक्स इज ग्रेटर दैन टू एक्स, आ स्टेप गलत हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि मैनू एक्स के बारे तो पता ही नहीं है। एक्स जे पॉजिटिव होंदा फिर तो साइन सेम रहना सी, जे एक्स नैगेटिव होंदा तो मैं साइन चेंज करना सी, इनू चेंज करना पैना सी। तो यदा मतलब जब भी असी किसी अननोन ना मल्टीप्लाई करी, अननोन मतलब जिदे बारे सानू पता नहीं है बेटे कि पॉजिटिव है या नैगेटिव है, फिर आपां उन्हूं इदा नहीं कर सकते, फिर आपां केसिस लवांगे वैन एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, इदा दे नैक्सट फिर साइन चेंज करांगे। ठीक है, समझ आ रही गल? अगर सानू पता ही है कि वह नंबर पॉजिटिव आ फिर कोई दिक्कत नहीं। जिदा आ देखो, मैं कहां कि फोर इज ग्रेटर दैन टू, दैन फोर टाइम मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ना मल्टीप्लाई करता। ठीक है, हुण आ ठीक है, कैन यू टेल मी क्यों ठीक है, वाई इट इज ओके टू मल्टीप्लाई दिस? मैं तो हुणे क्या अननोन ना मल्टीप्लाई कर, बट ये तो नोन है, क्योंकि कोई भी नंबर रियल रखोगे भावें नैगेटिव हो भावें पॉजिटिव, वह स्क्वेयर तो प्लस ही आ जाएगा, जिम्मे माइनस टू का स्क्वेयर प्लस फोर, फोर प्लस वन तो होर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ वाला नंबर एक्स कुछ भी होवे हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करना साइन चेंज नहीं होएगा। आ बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटे। सो वंस अगेन, कोई भी इनक्वालिटी गिवन है प्लस करो बेझिझक, भावें पॉजिटिव नंबर है भावें नैगेटिव नंबर, कोई गल नहीं, माइनस करो कोई दिक्कत नहीं, बट इनक्वालिटी को जब मल्टीप्लाई करना है, जे तो पॉजिटिव नंबर ना किया तो साइन सेम रहेगा, नैगेटिव ना किया तो साइन चेंज होगा। ठीक है, सो सिमिलरली विद डिवीजन भी, कि अगर पॉजिटिव ना डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर ना डिवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर के जीरो तो वड्डा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर के जीरो तो छोटा है नेगेटिव नंबर है तो फिर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, आई गेस इन्ना तो क्लियर है। जिवें एक एग्जाम्पल ले लो, फोर इज ग्रेटर दैन टू, लेट मी डिवाइड बाय माइनस टू, डिवाइड बाय माइनस दो, हाँ जी करा कितना आएगा, फोर डिवाइड बाय माइनस टू। ठीक है, बेसिकली डिवाइडिंग बाय माइनस टू इज नथिंग बट, डिवाइडिंग बाय माइनस टू इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बाय टू। ठीक है, सो माइनस टू ना डिवाइड, इधर भी माइनस टू ना डिवाइड, हुण क्योंकि नेगेटिव नंबर ना डिवाइड किया साइन चेंज कर दो। सो दिस इज बेसिकली माइनस टू इज ग्रेटर दैन माइनस वन, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ठीक है, सो आ सिंपल जे रूल जेडे तुसी ख्याल करने हैं, ठीक है, बिफोर वी सॉल्व प्रॉब्लम। मैं लगता रूल मुक जाने तो कमिंग वीडियो आप क्वेश्चन शुरू कर देने, ठीक है। सो वी कैन ऐड, वी कैन सबस्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करना है कि अच्छा एक होर लिख लो कि नेक्स्ट रूल पंजवा, उच्च है कि अगर कोई ए इज ग्रेटर दैन बी, वैसे ना यदि लोड नहीं पैनी, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन दस दिना, तो कहना स्क्वेयर करना हो ए स्क्वेयर इज ग्रेटर दैन बी स्क्वेयर। ठीक है, ये तद ही करीदा वैन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, दोनों ए ते बी जीरो तो वड्डे, ठीक है, फिर स्क्वेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिवें आ देखो, चार अगर दो तो वड्डा है, चार का स्क्वेयर सोलह, दो का स्क्वेयर चार वड्डा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर दोनों नैगेटिव होण, जिवें आ देखो, हुण माइनस दो माइनस चार तो वड्डा है ना, स्क्वेयर करो, हुण की होया, एदा स्क्वेयर कितना हो गया सोलह, एदा स्क्वेयर कितना हो गया चार, हुण तो साइन चेंज हो गया।
ठीक है। सो इहदा मतलब अगर दोनों नैगेटिव है, इफ बोथ आर नैगेटिव, तो फिर जब स्क्वेयर करांगे हाँ जी, तो की होएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर साइन आप चेंज कर देंगे, ठीक है। सो जो दोनों पॉजिटिव है तो साइन सेम रखो, दोनों नैगेटिव है तो साइन चेंज कर दो। जैसे एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव, फिर पंगे नहीं लेने, फिर कह ही नहीं सकते। जब यहाँ देखो मैं कह फोर इज ग्रेटर दैन माइनस फाइव, अच्छा स्क्वेयर करो, आ गया 16 तो आ गया 25, एच हूँ साइन चेंज हो गया। अच्छा अगर आ कह फोर इज ग्रेटर दैन माइनस थ्री, एदा स्क्वेयर कि आ गया 16, एदा ना हो एच साइन चेंज नहीं होया। तो यह मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, फिर पंगा नहीं लेने नहीं। तो दोनों पासे पॉजिटिव आ स्क्वेयर कर दियो, दोनों पासे नैगेटिव आ स्क्वेयर करके साइन चेंज कर दियो, ठीक है। मैं वैसे ही तुहानू दस चुकिया प्रॉब्लम आ चाहिए, आपां नूं लोड नहीं पैनी, लोड पहलियां रूल्स की पैनी है, ठीक है। आई होप आ तुहानू रूल क्लीयर है। सो हुण इदां करदे आ क्विकली एक एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देना। जिवें आ देखो लैट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम, वो कहिंदा जी सॉल्व दिस, अच्छा वो कहिंदा सॉल्व दिस 2x माइनस 1 इस, ये तुसीं टेंथ च भी किते होणे शायद, ठीक है, 5 माइनस 3x लैट्स से सॉल्व फॉर x, ठीक है, फटाफट। अच्छा पहला की करिए x वाली टर्म एक पासे ले आइए, ठीक है। सो इधर माइनस 3x है, सो इधर ले आओ, सो कितना आ गया 2x प्लस 3x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ जी इधर 5 है, अब माइनस 1 इधर आके बेटे प्लस 1 आ जाएगा, समझ आ रही गल, माइनस 3x इधर आके प्लस 3x, अब माइनस इधर प्लस, सो 5 प्लस 1, सो कितना आ गया 5x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। अच्छा हुण मैनूं सॉल्व फॉर x क्या होने, ठीक है, मैनूं x चाहिए, x चाहिए मैनूं 5 बढ़ाना है, मतलब की करिए 5 ना डिवाइड करिए, हुण 5 ना डिवाइड करिए तो 5 पॉजिटिव नंबर है कि नैगेटिव नंबर है, पॉजिटिव है, तो मतलब 5 ना डिवाइड करना साइन चेंज नहीं होया, सो 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6/5, देर फोर ठीक है एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6/5। अच्छा हुण आपां जो सीखिया आ तो हो गया इनक्वैलिटी वाइज, अगर ऑप्शन होवे रियल नंबर लाइन च या इंटरवल च फिर किवें करांगे, पहला 6/5 लिखा, हाँ जी इक्वल है बिल्कुल बराबर है, एक्स 6/5 तो वड्डा कि छोटा है, वड्डा है, वड्डे किधर होंदे इधर सारे किस तक वड्डे है, इत्थे तक, तो आंसर किन्ना आ गया एक्स बिलोंग्स टू 6/5, क्लोज आऊगा कि ओपन, क्लोज, वेरी गुड, टू टिल इनफिनिटी, इनफिनिटी तो ओपन ब्रैकेट, तो आ हो गया थोड़ा इंटरवल फॉर्म च, ठीक है, गल खत्म। अच्छा अगर मैं चलो आ गल समझ आ गई बेटे, सो आ चीज़ जी तुम सीखी है ऑप्शन थानू हूँ आ तो 10 तक भी कर सकते, सो यहो जे ऑप्शन जिमें दते है तो द यू नो कि हाउ टू कन्वर्ट दीज थ्री, आ तुहानू मैं 3 एक्सप्लेन किए डिटेल। अच्छा एक एक दो सवाल होर लिए, वो कहता कि 2-3x इज ओके इस ना थोड़ा चेंज कर दें, ना सपोज करो इतें मान लो इक्वल टू ना दिता हों, ठीक है, तो फिर की होना सी, इतें भी इक्वल टू नहीं आना सी, मतलब इतें भी इक्वल टू नहीं आना सी, इतें भी इक्वल टू नहीं आना सी, इतें भी इक्वल टू नहीं, तो हुण आंसर क्या है एक्स इज ग्रेटर दैन 6/5 इक्वल टू हैगा 6/5 दे नहीं, तो मतलब आ वाला लिडी जहा छोटा जहा नहीं आना, ठीक है, सो और इतने भी की आऊगा आ भी नहीं आऊगा, ठीक है, सो आंसर थोड़ा मॉडिफाई हो गया, हाँ जी की हो गया मॉडिफाई आ इतने तो इतने राउंड ब्रैकेट, बस आ ही फर्क होंगे बेटे, गल समझ आ गई पुत्र, ठीक है, आई होप आ क्लीयर है सारे। अच्छा एक कर लिए होर के फटाफट दो तीन सवाल, सो कहिंदा जी लैस दैन ओके बाय 3 इज लैट्स से 5 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा हुण सानू एक्स चाहिए तो की करिए 3 उधर लै जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल की है, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज नथिंग बट दोनों पासे 3 ना मल्टीप्लाई करना, ठीक है, हुण 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐदा नहीं कि तुम एवं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इनडायरैक्टली मल्टीप्लाइंग बाय दिस नंबर, तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो कोई गल नहीं, ठीक है, सो 3 ना मल्टीप्लाई करता, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर तो साइन चेंज नहीं करना पाया, तो की आ गया 2-3x इज लैस दैन 5 × 3 53 के 15। अच्छा हुण हाँ जी एनू फटाफट दसो आ 2 आपको एक्स चाहिए तो 2 खत्म करना है, तो इधर
टू दोनों पास से माइनस कर दो, ठीक है, या आप प्लस टू परले बने ले जाओ। सो कितना आ जाएगा तुहाडे कोल माइनस थ्री एक्स इज लैस दैन 15 माइनस टू दैट इज 13। हुण मैनू इत्थे एक्स चाहिए तो की करिए, माइनस थ्री नहीं चाहिए तो डिवाइड बाय माइनस थ्री, हाँ जी माइनस थ्री ना डिवाइड करांगे तो साइन चेंज होएगा, वेरी गुड। सो माइनस थ्री एक्स बाय माइनस थ्री एंड 13 बाय माइनस थ्री, बट साइन साडा चेंज हो गया, आ चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है, ठीक है, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड बाय नैगेटिव नंबर सो आई कन्वर्टेड द साइन। सो बस आ कटिया गया, ठीक है। अच्छा इतने नहीं कोई सोचना कि कई बच्चे एवं सोचते कि इतने एनू कट के सर साइन चेंज कर दिए, बड़े रेशो तो वन ही रहेगी ना, थ्री बाय थ्री भी वन है, माइनस थ्री बाय माइनस थ्री भी वन है, तो कैंसल करता इतने, ठीक है, तो इतने कितना आ गया एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस 13 बाय थ्री, आ साडा आंसर आ गया। सो आ सारे रियल नंबर इनू सैटिस्फाई करूंगे, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर दैन किन्ना इतने माइनस 13 बाय थ्री क्योंकि इक्वल टू नहीं है, माइनस 13 बाय थ्री तो व्डे के छोटे, व्डे बिल्कुल इधर न, तो आंसर आजूगा माइनस 13 बाय थ्री टू इनफिनिटी। हाँ थोड़ा सोल्यूशन आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लें होर कि माइनस थ्री ग्रेटर दैन टू माइनस फाइव एक्स इज लैस दैन इक्वल टू सैवन। हाँ जी क्विकली कहिंदा जी सॉल्व फॉर एक्स, टेंथ च तुसीं इहनूं करदे सी अलग अलग करके, हुण बिना उहदे करदे आ, पहलां तो टू नहीं चाहिए, ठीक है, तो की करिए तिना पासे तो टू माइनस कर दिए पहली प्रॉपर्टी, तो अगर कोई सेम नंबर माइनस करांगे तो कोई फर्क नहीं पाएगा, ठीक है। सो आ कितना हो गया माइनस फाइव, आ कटिया गया पुत्र, सो आ गया माइनस फाइव एक्स, हाँ जी सैवन माइनस टू, हाँ जी फाइव, समझ गल। अच्छा हुण मैनू एक्स चाहिए तो आ मैनू माइनस पाँच नहीं चाहिए, तो की करा मैं तिना पासे माइनस पाँच ना डिवाइड कर दूँ, माइनस पाँच ना डिवाइड करांगा तो की होगा साइन चेंज करूँगा। सो माइनस फाइव बाय माइनस फाइव, माइनस फाइव एक्स बाय माइनस फाइव एंड फाइव बाय माइनस फाइव। मैं स्टैप बाय स्टैप कर रहा तो वैसे तो ओवरली हो सकते सवाल सारे, ठीक है। सो हुण साइन एदा भी चेंज करता तो एदा भी चेंज करता, ठीक है, साइन चेंज, तो आ गया वन इज ग्रेटर दैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस वन, तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा हुण मैं कई बार बच्चों को कहना हुण इहनूं इंटरवल फॉर्म च लिखो तो रियल नंबर लाइन पर, कई सियाने की करते हैं तो इदा आत पई हुंदी ना वन टू माइनस वन, सर यहाँ पे वन आ जाएगा ओपन और यहाँ माइनस वन, ठीक है, गलत है क्योंकि छोटे तो वड्डा हुंदा, ये कहिंदा कि बेसिकली एक्स इज लैस दैन वन, इहदा मतलब अगर प्लॉट करिए इत्थे बेटे वन है इत्थे माइनस वन है, माइनस वन दे इक्वल है पुत्र, वन दे इक्वल नहीं है। सो एक्स इज लैस दैन वन, एक्स वन तो छोटा है एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन दे वड्डा है ते बराबर आ। सो देयरफॉर की आऊगा एक्स माइनस वन तो लैके वन तक, सो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज माइनस वन टू वन, ठीक है, हमेशा छोटे तो वड्डा पुत्र आउंदा, ठीक है। सो आई होप इन्ने कु तुहानू क्लीयर है, बाकी हुण नैक्सट वीडियो च आपां फिर क्वेश्चन करदे हां होर इहदे बहुत सारे, ठीक है, ओके पुत्र।